बन्नी, तुम एक महीने बाद लौट कर आई क्यों? अगर तुम्हें ये लगता है कि कबीर इस बच्चे को स्वीकार कर लेगा तो तुम गलत सोच रही हो। बन्नी, वो तुम्हारे नाम से भी नफरत करता है और बच्चे बच्चों से तो उसे इतनी चिढ़ है कि वो हमारे बच्चे की आवाज सुन लेता है ना तो चिल्लाने लगता है। और हमारा बच्चा छोड़ो, उसे किसी भी बच्चे की शक्ल पसंद नहीं है। हमें तो समझ नहीं आ रहा बन्नी कि कैसे तुम कान्हा को कबीर से जोड़ोगी। चार्मी, मैं जानू हूं कि आज ये कबीर है, पर देखना एक दिन इन्हीं आंखों में बन्नी दिखाई देगी। ये जो इसका दिल है ना, कि फिर से बनने के लिए धड़केगा। कबीर ने बन्नी से दुश्मनी पूरे दिल से निभाई है। देख जो, अब वो बन्नी से प्यार भी पूरे दिल से करेगा, क्योंकि हर खलनायक में ना एक नायक छिपा हुआ है। अब वो कब कटे और कैसे बाहर आवे इसके बारे में तो किसी को पता ना होवे, पर आज वो जो कबीर है ना, उसी कबीर के अंदर कटे ना कटे हमारा युवान छुपा है। चार्मी, मारे को पूरा विश्वास है कि सच्चे प्यार में ना इतनी शक्ति होवे कि वो दिल में बसे हर कड़वाहट, हर नफरत को पूरे जड़ से मिटा सके। और इस वक्त उस कबीर को इसी की जरूरत है। मारे को पूरा भरोसा है कि प्यार में सब कुछ बदलने की ताकत है। बन्नी, तुम अपनी बात इतने विश्वास के साथ कहती हो कि तुम्हारी बात पे विश्वास करने को जी चाहता है, पर हमने ना कबीर को बहुत पास से देखा है और सच कहे तो उससे बहुत डर लगता है। बन्नी, चार्मी, चटे शुरुआत ही डर से हो चुकी हो ना, तो समझो आधी आर पहले ही हो चुकी है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पर तुम करने क्या वाली हो और ये सच सवर क्यों रही हो? अरे चार्मी, कान्हा को उसके पापा से मिलवाना है ना। हाँ, तो बन्नी को थोड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत इस तरह? हाँ, सबसे पहले कबीर को बन्नी को अपनाना पड़ेगा। अब एक बार कबीर ने इस बन्नी को अपना लिया तो समझो वो कान्हा अपने आप अपने पापा की गोद में आ जाएगा। समझी? ऐसे होगा बाप बेटे का मिलन। ये ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है? चेप्पा लागे है, सब लोग आ गए हैं। चार्मी, तुम पाछे से कान्हा को लेकर आना। हाँ, कबीर, ये पिछले महीने के कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इन्हें जरा देख लेना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक आप ही हो जिसने मुझे अपना माना है इस घर पे। उस दिन अगर आप नहीं होती तो मैं हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता। वो अलग बात है कि हॉस्पिटल पहुंच कर भी मैं कुछ। कबीर, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? थैंक यू।
तो चार्मी कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हो ना एकदम पतिव्रता पत्नी? जो लग रही हो वो तुम्हारे व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। कभी नहीं सोचा था कि तुम ये सब करोगी, पर हाँ तुम सुंदर लग रही हो। पता चार्मी, आज ही के दिन 2 साल पहले मैं और युवान शंभू जी के मंदिर में मिले थे, इसलिए मैंने आज का दिन चुना है लौटने के लिए, क्योंकि आज के दिन नारे और युवान की सालगिरह है। पर ये पालकी, तुम सच में पालकी में जाने वाली हो? हाँ चार्मी, बिल्कुल इसी पालकी में जाऊंगी। हाँ थोड़ा पुराना स्टाइल है पर बहुत प्यारा लगेगा, देख जो। कान्हा आओ। सब बस चलो न चाली। भाई जी मैं बैठ रही हूँ। तमाशा चल रहा है, अरे बंद करो इसे। सुनिए अपने पापा की आवाज, ये वही है। हाँ अभी थोड़े गुस्से में है, शांत कर दूंगी। ये क्या नाटक है ये पाल? विराज तुमने बताया नहीं दूसरी शादी कर ली तुमने। युवान भाई, कबीर भाई कैसी बातें कर रहे हैं? मैं चार्मी के साथ खुश हूँ। तो फिर अंदर कौन है? बन्नी चा। हाँ स्वामी, मैं आपकी बन्नी। How dare you, बन्नी चा। हिम्मत कैसे की तुमने मेरे सामने आने की? ना स्वामी, ये हिम्मत ना है, ये तो मेरा प्यार है। जहां मेरा पिया वहां मैं। क्या बकवास किए जा रही हो? मौत का डर निकल गया है क्या? मेरा दिल और मेरी जान दोनों आपकी है स्वामी। अब जब मैं आपसे दूर थी तब मारे को एहसास हुआ कि युवान हो या कबीर हो क्या फर्क पड़े, दिल जान और जिस्म तो वही है, फर्क बस आंखों का है, मतलब आपके नजरिए का है। इस सीने में दिल तुम्हारे युवान का ही धड़के है ना? ये दिल कबीर सिंह राठौड़ का है और ये दिल सिर्फ एक इंसान के लिए धड़कता है, वो है तुलिका। तुलिका और सिर्फ तुलिका। और मेरी धड़कन पे नाम तो सिर्फ आपका है स्वामी, सिर्फ और सिर्फ आपका, जो कोई भी ना मिटा सके। आप चाहे तो आप भी ना। अरे बंद करो अपनी बकवास बन्नी चाओ। ते चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे उलझाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी ये झूठी और प्यारी बातों से युवान सिंह राठौड़ वापस नहीं आने वाला, क्योंकि इस दिल पे, इस दिमाग पे, इस मन पे, इस तन पे सिर्फ एक इंसान का राज है और वो है कबीर। बताए कबीर, मैं ना तुम्हारे युवान को हमेशा से स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और ऐसे इंटेलिजेंट बनाना चाहती थी, और देखो थारे में वो सारी खूबियां हैं। थारे आने के बाद ना हमारे युवान के रूप में वो सारी खूबियां मतलब आ गई हो, हमारे युवान के अंदर ये 4 चांद लग गए हो,
मन्नी ना जीरा राइस को बिरयानी बनाना चाहती थी और लो बन गई मारी बिरयानी। से जीला राजकुमार मारे को मिल गया। इसे निकालो यहाँ से मायरा, इसे निकालो यहाँ से, बाहर करो इस बन्नी चाव को। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा बन्नी। ओ लगता है तुम्हें सुबह का पनिशमेंट फिर से याद दिलाना होगा। हजार बार लिखवाऊं तुमसे, आई हेट यू एंड आई हेट बन्नी, मैं कबीर सिंह राठौर की हर बात मानूंगी। नो, मैंने नहीं लिखा जो आपने मुझे बोला था। मैंने लिखा कि बन्नी भाभी को प्लीज वापस लौटा दो। और देखिए 24 घंटों में मेरी भाभी वापस आ गई। स्वामी मारे को आशीर्वाद दीजिए। इतनी जल्दी? मैं आपको मान गई स्वामी। नहीं चाहा ज्यादा नाटक मत करो, ये क्या कोई आशीर्वाद नहीं दिया मैंने, तुमने चिमटी काटी तो। चिमटी? चिमटी ना, वो तो वो चींटी आपके पांव पर आपको काट रही थी तो मैं उसको हटा रही थी ऐसे। बन्नी के रहते उसके पति को कभी कोई आंच ना आ सके स्वामी। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इस बन्नी चाव को, इस पूरे तामझाम को। अरे क्या करे तू हैं? अरे बन्नी आखिर इस घर की बहू है। बहू वाइफ? सुना नहीं तुमने? निकालो इसे। अरे ये सब क्या चल रहा है? आई एम सीनियर लॉयर माधव मिश्रा। युवान सिंह राठौड़ ने ये डीड बनवाई थी और इसके हिसाब से बन्नी इस पूरे प्रॉपर्टी और बिजनेस में 50% की मालकिन है। लुक एट इट, और इसके हिसाब से इस घर पर भी इनका आधा अधिकार है। आप इन्हीं के घर से इन्हें नहीं निकाल सकते। और अगर कोई जोर जबरदस्ती की, कोई बदसलूकी की, तो मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा, समझे? देखो अब जैसे वकील जी ने समझाया है आप समझ गए ना स्वामी। पति परमेश्वर इस बात को आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि अब से प्रॉपर्टी में, इस बिजनेस, इस घर, पूरे जीवन में मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आधे आधे की हिस्सेदार। संभाल के रखिए इसे। कानूनी तौर पर बन्नी का पूरा हक है इस बंगले पर, अब ये यहीं रहेगी। आई जस्ट डोंट बिलीव दिस। आप सब इस बन्नी चौ पर कैसे बिलीव कर सकते हो? देखा नहीं कि अभी घर पर आई और आधी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर ली, और ऊपर से देखो कितनी इनोसेंट बन रही है। वाह जी जी, मैं तो शुरुआत से ऐसी ही थी, खाना बनाने वाली, टिफिन डिलीवर करने वाली, हाँ उस बस्ती की एक साधारण सी छोरी। देखो अब तब मारा युवान भोला था और तब युवान को संभालने के लिए हमारे को थोड़ा होशियार बनना पड़ता था, पर अब देखो हमारे युवान को कितना स्मार्ट, कितना स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट हो गया है। सीधा शिमला मिर्च से कश्मीरी लाल मिर्च बन गया है। हाँ? देखो, पर मारे को ना तीखा पसंद है। मैंने कहा ना आपसे, अरे सपनों का राजकुमार। देखिए पति परमेश्वर, इस बात से तो आप भी इनकार ना कर सकते कि युवान के रूप में आपने इन्हीं हाथों से बन्नी का हाथ थामा था।
और इससे भी कि इन्हीं होठों से आपने बन्नी को वो प्यार वाली किस। वकील साहब, इंस्पेक्टर साहब, बन्नी अठे रहेगी, हम सबके संग, हम सबके बीच 50% की पार्टनर है वो, तो कोई उसे कैसे रोक सके। थैंक यू दादा साहब। ओके, हम चलते हैं, और अगर आपको कोई परेशान करे तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। चलते हैं। आभार आभार। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।